सो दोस्तों, एक बार फिर से मैं किशन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल बनारसी अंदाज में। दोस्तों, आज हम अपनी बनारस के घाटों की जो श्रृंखला, हमारी जो वीडियो का जो श्रृंखला चल रहा है, आज की इस कड़ी में आज हम आपको लेकर के आए हुए हैं बनारस के प्रमुख घाटों में से एक केदार घाट पर। दोस्तों, ये जो केदार घाट है, माँ गंगा के ठीक किनारे बसा हुआ एक बहुत ही अत्यंत रमणीय घाट है। इस घाट के ठीक बगल में स्थित है विजयनगरम घाट। दोस्तों, यहाँ पर जो है कि दक्षिण भारतीय जो हमारे श्रद्धालु हैं, जो माँ गंगा के साथ साथ बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत ही भारी मात्रा में प्रत्येक दिन आते हैं। शाम को यहाँ पे गंगा आरती का दिव्य नज़ारा अत्यंत रमणीय होता है। पंचगंगा नहान का 80 घाट के बाद यहाँ दूसरा स्थान है। जिस समय औरंगजेब काशी के मंदिरों पर हमला कर रहा था, तो बाबा केदारनाथ का ये मंदिर भी उससे अछूता नहीं रहा। मंदिर में पहुंचकर उसने नंदी पर तलवार से हमला किया, जिसके निशान आज भी मंदिर में मौजूद हैं। परंतु उस समय मंदिर के भीतर से भौरों के विशाल झुंड ने औरंगजेब को वापस हटने के लिए मजबूर कर दिया। बाद में यही औरंगजेब ने कहा था कि इस मंदिर में कोई बहुत ही पहुँचा हुआ फकीर रहता है। इसके कारण उससे प्रभावित होकर के उसने एक पीतल का 2.5 मन घंटा दान में दिया, जो कि आज भी मंदिर के ऊपरी शिखर में मौजूद है। दोस्तों, बनारस के इस घाट पे हमारे जो दक्षिण भारतीय जो श्रद्धालुगण होते हैं, इस केदार घाट पे भारी संख्या में साल के प्रत्येक दिन आते हैं और माँ गंगा में पुण्य की डुबकी लगाते हैं, साथ साथ बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन एवं पूजन करते हैं। दोस्तों, आपको केदार घाट, जो कि बनारस का प्रसिद्ध घाटों में से एक है, इस पर आधारित हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे दिए हुए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ में अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्द से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियो प्रकाशित हो उनसे आप वंचित ना रह जाएँ। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव।